أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگِ تحریک کٹ جائے دمِ عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیرِ خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیو دوستو اور بزرگو اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو آپ کے دفتروں کو آپ کی فیکٹریوں کو اپنی رحمت فضل اور کرم سے ایسے بھر دے جیسے آپ نے اس کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دیا ہے۔ تقریباً 15 سال بعد اس ممبر پر آپ نے مجھے دوبارہ لا کھڑا کیا ہے۔ اس عرصے میں بہت سارے چہرے جو مسجد کی رونق ہوا کرتے تھے آج نظر نہیں آ رہے۔ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیشہ رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ ہنستا مسکراتا چہرہ محترم منشی عبد الکریم صاحب بہت محبت کرتے تھے، محترم چودھری علی محمد صاحب، محترم حاجی بشیر صاحب، محترم بھائی ذاکر الرحمن صاحب، بھائی نذیر صاحب، بہت سارے چہرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور آج آپ لوگوں کی محبت پھر سے کھینچ لائی، جس میں محترم بھائی اقبال نون صاحب، محترم ڈاکٹر اعظم صاحب، محترم بھائی نواز اولک صاحب اور دیگر یہاں کے زعماء، اس مسجد کمیٹی کے دیگر اراکین اس میں شامل ہیں، جن کی کوششوں سے
ये अमल वजूद में आया और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया और वाकई कहते हैं ना कि मोहब्बतां सच्चियां होण ते रब मिलाउण दे असबाब बनाई देंदा है। अल्लाह ताला जिस तरह आज हमें दुनिया में इकट्ठे किए हुए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह रोज़े आखरत भी हमें अपनी जन्नतों में इसी तरह इकट्ठा फरमा दे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, करीब करीब उनका यौम शहादत गुज़रा है। मैं चाह रहा हूँ कि उस बाबरकत हस्ती का तज़किरा आपके सामने हो ताकि हमारे ईमान बढ़ें, जज्बा ईमानी बढ़े, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम को जो मोहब्बत थी, सहाबा के तज़किरे सुनकर पढ़कर हमारे अंदर भी वो जज्बात पैदा हों। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अक्सर फजर की नमाज के बाद मुसल्लियों की तरफ रुख करके जब आप बैठते तो सहाबा किराम से पूछते कि आज तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। सहाबा अगर ख्वाब देखा होता और किसी को याद होता तो वो आपको सुनाता, फिर आप उसकी ताबीर फरमाते, और कभी कोई ना सुनाता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख्वाब सुनाते और फिर उसकी ताबीर फरमाते। आपने एक दिन सहाबा से कहा, आज मैंने ख्वाब देखा है कि मैं दूध पी रहा हूँ, खूब सैर होकर पिया, बुखारी की रिवायत, खूब सैर होकर पिया, जो बचा वो मैंने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया और फिर उन्होंने पिया और खूब सैर होकर पिया, लेकिन मेरे बाद पिया। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसकी क्या ताबीर फरमाते हैं? आपने फरमाया, इसकी ताबीर इल्म है। अल्लाह ने मेरे बाद उमर को बहुत इल्म से नवाजा है। यही वजह है कि अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि कुरान उतरता तो हमारे घरों में था लेकिन अक्सर उमर की मर्ज़ी के मुताबिक उतरता था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा करते, फिर उमर से भी मशवरा करते, उमर की राय मुनफरिद राय होती, दीगर सहाबा से मुख्तलिफ होती। और अभी हजरत उमर ने मशवरा दिया ही होता कि आसमानों से जिब्रील उतरते और फरमाते, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का भी यही मशवरा है जो उमर का मशवरा है। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में दिखाया गया कुछ लोगों ने कमीज़ें पहन रखी हैं, किसी की इतनी छोटी है कि गले से डालो तो बस सीने तक आती है, नीचे कमीज़ ही नहीं,
किसी की नाफ तक, किसी की घुटने तक। लेकिन उमर को मैंने देखा कि इतनी लंबी कमीज है कि चल रहे हैं वो पीछे जमीन पे घिसट रही, यानी पांव से भी नीचे और लंबी घिसटती जा रही। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसकी क्या ताबीर फरमाते हैं? आपने फरमाया ये दीन, किसी को दीन ने सीने तक, किसी को घुटने तक ढांप रखा है। और उमर ऐसा शख्स है कि सर से पांव तक दीन ही दीन में डूबा हुआ। यही वजह है कि अल्लाह ने आपको बेशुमार तकवा, खुदा खौफी अता की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते पर चल निकलता है, उमर का रोब और दबदबा देखिए। हम तो जिस रास्ते पर जाते हैं ना, हमारी मिठास की वजह से शैतान सारे रास्ते छोड़कर उसी रास्ते पर आ जाते हैं। हम इतने मीठे जो हमारा सोचने का अंदाज ही बिल्कुल अलग है। लोग कहते हैं मियां इतनी मीठी बातें करो कि किसी को बुरी ना लगे, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ खिंची चली आए। रसूलुल्लाह सल्लम भी तो बातें मीठी करते थे ना, अखलाक के अच्छे थे, इसके बावजूद मक्का वाले आपको मक्के से निकाल रहे हैं, जंगे लड़ रहे हैं, आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। जो मिठास अल्लाह चाहता है वो अलग है। हजरत उमर हक के मामले में इतने खरे, दूसरे लफ्जों में आप ये भी, क्योंकि मुहावरा मशहूर है कि हक हमेशा कड़वा होता है, अल हक को मुर्र, हक हमेशा कड़वा होता है। आपने फरमाया उमर जो रास्ता इख्तियार करता है, इबलीस उस रास्ते को छोड़ देता है डर की वजह से कि उमर आ रहा है। यह जुरत है, ईमानी गैरत है, जो शैतान को करीब नहीं आने देती, शैतान को खुद से दूर भगाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबुव्वत के दरवाजे खुले रखे होते, मेरे बाद किसी पैगंबर के आने की गुंजाइश होती, मेरे बाद रब्बुल आलमीन ने नबुव्वत के दरवाजे बंद ना किए होते तो उमर जरूर उसी दरवाजे से दाखिल होता। लौका नबादी नबी जुल्लकान उमर, मेरे बाद अगर किसी पैगंबर के आने की गुंजाइश होती, उमर जरूर पैगंबर होता, जरूर पैगंबर होता। आपने फरमाया अरहम उम्मती उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा नर्म दिल, सबसे ज्यादा रहम खाने वाला, तरस खाने वाला अगर कोई शख्स है तो वह अबू बकर है। वो अशद्दु हाफी दीनिल्लाह उमर, और बाद रिवायात में आया वा शद्दु हाफी अमरिल्लाह उमर, अल्लाह के दीन के मामले में देखा जाए तो उमर से ज्यादा सख्त कोई नहीं, उमर सबसे ज्यादा सख्त है दीन के मामले में। छोटी छोटी बातों पर
अल्लाह के हबीब की मजलिस में जब आपकी अदालत में कोई मुकदमा आता, किसी मुनाफिक का कोई निफाक जाहिर होता, फरूक आजम की तलवार फौरन बेनियाम हो जाती, फौरन तलवार निकालते, फरमाते अल्लाह के रसूल इस मुनाफिक को तो मेरी तलवार के हवाले कीजिए, इजाजत हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। बारहा मौकों पर आपने ऐसा ही किया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार मौकों पर सहाबाए किराम से मशवरा करते, जब परेशान होते, सैयदा आयशा के मुआवले में भी आप परेशान हुए, 40 दिन तक परेशान रहे, अल्लाह ने वही का सिलसिला भी रोक दिया। एक एक से मशवरा करते हैं, बेशुमार लोगों से मशवरे किए, हजरत अली से भी मशवरा किया, मैं आयशा के मामले में बहुत परेशान हूँ, मुझे मशवरा दीजिए मैं क्या करूँ। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप आयशा को तलाक दे दीजिए, आपको बीवियों की कोई कमी तो नहीं है, अल्लाह ताला और रिश्ता करा देगा, मुमकिन है आयशा से भी ज़्यादा अच्छी खातून से शादी हो जाए। सैयदना फारूक आजम से मशवरा किया, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मेरे मशवरे से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए, पहले मुझे ये बतलाइए आयशा को आपके घर में आपकी बीवी बनाकर लाने वाला कौन है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से कुछ नहीं बोला, अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए फरमाया, ऐ उमर ये फैसला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। आप फरमाते अल्लाह के अभी फिर आप क्यों परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका फैसला उसका इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता, आप मुनाफिकीन को मेरी तलवार के हवाले कर दीजिए, उनसे तो मेरी तलवार निमटेगी। आप अल्लाह से पूछें उसने किस घराने के लिए किस खातून का इंतखाब किया है। आप फरमाते हैं जज़ाकअल्लाह इब्ने खत्ताब, अल्लाह तुझे जजाए खैर दे, तूने तो मेरे सारी की सारी दिल की गिरानी दूर कर दी। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ये ऐसी हस्तियां हैं, वलाकिन्नल्लाहा हब्बबा इलैकुमुल ईमान, इनके दिलों में सहाबाए किराम के दिलों में अल्लाह ने ईमान का बीज खुद बोया, ईमान का बूटा लगाया, ईमान का पौधा लगाया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, सहाबा से कहा तुम्हारे दिलों में इसे मुज़य्यन भी हमने किया, इसकी मुकम्मल आबियारी की। जिस तरह तजर्बाकार किसान अपना पौधा बाग लगाने के बाद उसकी रखवाली करता है, अल्लाह कहता है तुम्हारे दिलों में ईमान का बूटा लगाने के बाद मैं तुम्हारा रखवाला बनकर उसकी हिफाजत करता रहा। वह कर रहा इलैकुमुल कुफरा वल फुसूक वल इसयान, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ईमान के पौधे के साथ साथ जो खुद रहो बूटियां कुफर जैसी, नफरमानी जैसी, फिस्क फजूर जैसी, अल्लाह ने जड़ से उखेड़ कर फेंक दी। कोई पौधा ईमान के पौधे के साथ पनपरे न दे। अब जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा हो उसके ईमान को किस चीज का खतरा है, उसके ईमान को किस चीज का खतरा है। लेकिन आज दुनिया में कितने बदबख्त लोग ऐसे हैं, खासकर ये जो इस्लाम का नया साल नया महीना शुरू होता है जिसे हम मुहर्रम कहते हैं, ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना,
सहाबा पर तबर्रे शुरू हो जाते हैं और जुबान दराजियां शुरू हो जाती हैं, सीना को भी शुरू हो जाती है, मातम शुरू हो जाते हैं। ये हम साल का आगाज करते हैं। वो अंग्रेज जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो नया साल का आगाज होता है ना, अगरचे हम उससे भी खुश नहीं हैं, लेकिन वो खुशी का इजहार करते हैं कि अल्लाह ने हमें नया साल दिया। ये मातम और सीना को भी करते हैं और सारा साल रब यही करता है हमारे साथ। जाहिर बात है, हमने साल शुरू होते ही रब से मांगा ही यही, रब से मांगा ही यही। मेरे भाई, अक्सर सच्ची बात है, मैं उलमा को देखता हूं, वो कह रहे होते हैं कि ये सब सीना को भी, ये वो मातम शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन ला तमल खुदूद व शक्कल जुयूब वदा बिदावल जाहिलिया, जिसने मुंह पीटा, सीने गरेबा चाक किया, जाहिलों की तरह आवाज़ें निकाली, फरमाया वो हम में से नहीं है। ठीक, हदीस अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त। फिर वो कहते हैं सीना को भी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको करने दो, इनको करने दो, इसलिए कि जिस सीने में सिद्दीक उमर की मोहब्बत ना हो, उन सीनों को सदा पिटते ही रहना चाहिए, हमेशा पिटते रहना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से इनके लिए सजा, बुग़्ज़ सहाबा की ये सजा, इनको हमेशा पिटते रहना चाहिए। मेरे भाई, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी हस्ती नबी से मोहब्बत करने वाली, जिनकी नेकियों के बारे में एक दिन सैयद आयशा ने पूछा, बाद मुहद्दिसीन का इस रिवायत पर कलाम भी है, सैयद आयशा थे, आपने पूछा कि आयशा तू क्या सोच रही है बैठी बैठी। अर्ज की, अल्लाह के रसूल, ऐसे आसमान के दामन में निगाह डाली और जगमग करते सितारे नजर आए, आसमान सितारों से भरा हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसकी नेकियां इतनी हों जितनी आसमान के दामन में सितारे हैं। आप फरमाते हैं हां, ऐसा भी शख्स है। तो हजरत ऐशा फरमाती हैं, जब आपने हाँ कहा, मेरे दिल में फौरन ये ख्याल आया कि अब जब मैं पूछूंगी वो कौन है, तो आप मेरे अब्बा अबू बकर का नाम लेंगी। लेकिन मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ, जब मैंने पूछा वो कौन खुश नसीब है, तो आपने फरमाया वो उमर बिन खत्ताब है, जिसके दामन में इतनी नेकियां हैं जितनी आसमान के दामन में ये सितारे हैं। फरमाती हैं कि मैंने हैरान होकर पूछा, ऐन हसनात अबी बकर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ गई, आपने तो उनको गिना ही नहीं। आप मुस्करा दी, आपने फरमाया, ऐशा तू भी कमाल करती है, नेकियां पूछती है अबू बकर की और पैमाना बनाती है आसमान के सितारों को। इन्नमा जमीउ हसनात उमर, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां जो आसमान के सितारों के बराबर हैं, फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात का मुकाबला भी नहीं कर सकती, एक रात का मुकाबला भी नहीं। ये हस्तियां ऐसे नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको रुतबा दिया। जब ये मुसलमान नहीं थे, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा अज़्ज़ल इस्लाम, इस्लाम को इज्जत दे,
इस्लाम को कुव्वत दे, इस्लाम को जोर दे, ताकत दे। किसके जरिए? फरमाया बेहब हादैन रजुलैन, दो शख्स हैं कुफर में, दो शख्स हैं कुफर में। बेहब्बे क्यों कहा? आखिर में कहा हादैन रजुलैन इलैका, दो शख्स हैं उनमें जो तुझे पसंद हो हमें वो दे दे। आपने ये नहीं कहा कि उमर बिन खताब दे, दूसरा आम्र बिन हिशाम जिसे आप अबू जहल कहते हैं, आपने नॉमिनेट नहीं किया। उमर बिन खताब दे या अबू जहल दे, दोनों में से एक दे। शर्त ये रखी इन दो में जो तुझे पसंद, जो तुझे महबूब, जो तुझे प्यारा हो। गोया उमर बिन खताब जब आए अपनी मर्जी से नहीं आए, रसूलुल्लाह के मांगने पर, अल्लाह के भेजने पर आप तशरीफ लाए। अब इससे ये भी जाहिर हुआ इसी हदीस से कि उमर अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को प्यारा है, अल्लाह की नज़र में पसंदीदा है। अब जो अल्लाह को पसंद हो, तुझे पसंद हो या ना हो, तेरी पसंद या ना पसंद से क्या होगा? फैसला तो उसी पर होगा ना रोज़े आखिरत। जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद है उसी पर फैसला होगा। और अल्लाह ने कई मौकों पर, कई मौकों पर सहाबा किराम को मुख्तलिफ अंदाज में आजमाया और हर आजमाइश में पूरे उतरे, हर आजमाइश में पूरे उतरे। फरमाया उलाइक अल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, सहाबा किराम के दिलों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान लिया, तकवे का इम्तिहान लिया, खुदा खौफी का इम्तिहान लिया। आज हमारे इम्तिहान मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में ऐसे होते हैं, कुर्सियों पे बिठा दिया जाता है, कागज कलम पकड़ा दिया जाता है, पंखे भी चल रहे होते हैं, सवालनामा हाथों में थमा दिया जाता है, कुछ रटे रटाए सवालों के जवाबात लिख लिए जाते हैं। कितने आसान इम्तिहान हुआ करते हैं, लेकिन सहाबा किराम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह इम्तिहान लिया? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दो ऊँटों के दरमियान बांधा गया, एक बाजू एक टांग एक ऊँट के साथ, दूसरा बाजू दूसरी टांग दूसरे ऊँट के साथ। फिर वो अबू जहल ने नेजा भी उठाकर जिस्म के ऐन वस्त में नेजा भी मारा, ऊँटों को दोनों सिमतों में दौड़ाया, आधा जिस्म एक ऊँट के पीछे आधा दूसरे जिस ऊँट के पीछे, जिस्म तो लख्त होकर घिसटता चला गया। अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का के दहकते अंगारों पर चित लिटाया जाता, कमर के बल लिटाया जाता, ऊपर पत्थर की चाटियां रख दी जाती, कमर से जिस्म से रिसने वाले गोश्त से रिसने वाले पानी से मक्का के दहकते अंगारे बुझ जाया करते थे। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, अल्लाह ने सहाबा किराम का इस तरह इम्तिहान लिया। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ाकर तीरों की बारिश की, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को इस तरह आजमाया, आजमाइश की चक्की में पीसा।
हजरत तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर भी आजमाइशें आई। ठीक 10 साल 6 माह और तकरीबन 4 दिन आपका दौरे खिलाफत रहा। मुसलमानों के लिए इतना मिसाली दौर था, फतूहात का सिलसिला ईरान तक पहुंचा, ईरान तक पहुंचा। इन बदबख्तों को यही तो सारा गुस्सा है कि इस बंदे ने ईरान पर भी कब्जा किया। कैसर के ताज, कैसर के कंगन, जिसकी रसूलुल्लाह ने पेशीन गोई फरमाई थी, ऐ सुराका उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथ में हो। वो हजरत फारूक आजम के दौर में रसूलुल्लाह की वो पेशीन गोई पूरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान यकीन इस कदर पुख्ता था और कोशिश करते थे कि ये यकीन बढ़ता चला जाए। फरमाते हैं ग़ज़वा बदर में नबी करीम ने सहाबा किराम से जंग से पहले खिताब किया और उस खिताब में फरमाया कि आज काफरों का फलां सरदार इस जगह गिरेगा, फलां इस जगह गिरेगा, फलां उस जगह गिरेगा। हज़रत उमर कहते हैं मैंने उन जगहों पे निशानियां लगा ली, मैंने उन जगहों पे निशानियां लगा ली। और जब मारकाए बदर ख़त्म हुआ, लोग माले गनीमत लूटने लगे और मैं उन निशानियों की तरफ बढ़ गया। मैं वो निशानियां ढूंढता रहा और मैंने देखा, अर्श वाले की कसम, जहां जहां अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हर काफिर वहीं गिरा, एक इंच का भी फर्क नहीं था, एक इंच का भी फर्क नहीं था। अल्लाह के रसूल की जात पर, बात पर ईमान और यकीन इतना था। और फिर चश्मे फलक ने वो दौर भी देखा, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पर खड़े हैं। ये ज़िलहज की 26 तारीख, हमारे यहाँ जो आजकल मारूफ है कि यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत, ये बिला दलील है। कुछ लोग इस पे ये तत्वीक देने की कोशिश करते हैं कि हमला तो 26 को हुआ, शहादत यकम मुहर्रम को ही, यानी 26 ज़िलहज को, लेकिन सही यही है कि आपकी शहादत 26 ज़िलहज। आप नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू लोलो फिरोज मजूसी, मुसलमान भी नहीं मजूसी है, ये पत्थर की चक्कियाँ बहुत आला किस्म की बनाता था, ये कारीगर था चक्की बनाने, वो चक्कियाँ जो आजकल खैर नौजवानों को तो पता नहीं है, बुज़ुर्ग ज़रूर जानते हैं, औरतें घरों में हाथों से उसका एक दस्ता होता है, पत्थर के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर से दाना डालती रहती हैं और घुमाती रहती हैं, या किसी ज़माने में जेलों में भी कैदियों से चक्कियाँ पिसवाई जाती थी सज़ा के तौर पर, वो चक्की बनाने का माहिर। हजरत उमर ने उसे कहा कि मैंने सुना है तू चक्कियाँ बड़ी अच्छी बनाता है, और वो मजूसी था, ईरानी था, उसको भी ये हसद खाया जा रहा था कि हमारा ईरान इसने कब्जा किया। हजरत उमर ने कहा मैं तुमसे चक्की बनवाऊंगा, तो उसने ज़रा दांत पीस के कहा कि चक्की तो मैं ऐसी बनाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। चला गया। सैयदना फारूक आजम ने सहाबा से कहा कि इसने मुझे धमकी दी, इसने मुझे धमकी दी। सहाबा ने कहा आप उसे पकड़वाएं, सजा दें। देखिए सैयदना फारूक आजम का इंसाफ देखिए,
محض اپنی سوچ اپنی فکر سزا نہیں دی جا رہی، گواہ کوئی نہیں۔ میں نے جملہ سنا ہے، جملے سے یہ مفہوم نکلتا ضرور ہے لیکن یقینی طور پر نہیں۔ وہ اگر خود ہی مکر کے کہے کہ جی میرا مقصد تھا میں آپ کو بہترین چکی بنا کے دوں گا، تو میرے پاس کیا پروف؟ لوگ مفہوم بدلنے کے، مکرنے کے تو بڑے ماہر ہوتے۔ جیسے ٹی وی پروگرام میں اکاڑوی نے گالی دی ایک دفعہ، 11ویں کے متعلق سوال آیا، میں نے کہا غیر اللہ کے نام کی 11ویں حرام ہے، تو اس نے غصے میں آ کر کے کہا کہ جو حلال کے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے گالی دلوائی ہے۔ کہیں کون سی گالی؟ وہ بھی مکر گیا، ڈاکٹر صاحب بھی مکر گئے، اکاڑوی بھی مکر گیا، پبلک جو تالیاں بجا رہی تھی وہ بھی مکر گئے، اور گویا مجھے جھوٹا بنا دیا کہ ہم نے نہیں دی گالی، نہ کسی مولوی نے اسے میرا ساتھ دیا، کہا کہ بھی میں نے سنا ہے اس نے ایسا کہا، کسی نے بھی نہیں، سارے مکر گئے۔ تو لوگ پینترا بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہی ابو لولو فیروز فجر کے وقت ممبر کے پیچھے چھپا، اندھیرے ہوتے تھے، ایک چراغ جلتا تھا، تھوڑی تھوڑی زیرو کے بلب سے بھی کم روشنی ہوتی تھی، بس بندہ تھوڑا یہ دیکھ لیتا تھا کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تلاوت شروع کر دی تو اس نے خنجر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس خنجر سے آپ پر وار کیا، آپ گر گئے، اور محراب کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیکہ لگا کے بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کا رب سے تعلق دیکھیں، خلیفہ ثانی زخمی ہو کر محراب میں گر گیا، مسجد میں خون ہے، کوئی بندہ نماز نہیں توڑ رہا، کوئی بندہ نماز نہیں توڑ رہا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ نماز نہیں ٹوٹنے دی، جماعت بھی نہیں چھوٹنے دی۔ آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، فوراً مصلے پہ آتے ہیں۔ نماز یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جلدی جلدی ختم کی، چھوٹی صورت پڑھی، رکوع سجدے چھوٹے کیے۔ اور جو بات میں بتانا چاہوں، صحابہ کی صف بندی دیکھیے کہ ابو لولو نماز سے پہلے آگے تو آ گیا ہے، اس وقت صف نہیں بنی ہوئی تھی، نماز سے پہلے جب نماز شروع ہو گئی صف بن گئی، اب وہ مصلے پر ہے، حضرت عمر پہ وار کر کے زخمی کر کے پھینک دیا، اب وہ نکلنا چاہتا ہے، اسے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ آپ اس سے اندازہ لگا ہو کہ صحابہ کی صف بندی کا کیا عالم ہو کہ قاتل نکل نہیں پا رہا، کبھی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا، سارے جڑ کے کھڑے ہوئے، 6-7 بندوں کو اس نے زخمی کیا تاکہ وہ نکل سکے۔ پہلی صف سے تو وہ زخمی کر کے نکل گیا۔ آگے سردی کا موسم تھا، جس کسی شخص نے اپنے اوپر جو شال موٹی اوڑھ رکھی تھی اونی، وہ اٹھائی اور اس کے اوپر ڈال کے جفا ڈال کے اس کو پکڑ لی، اور اس نے جب دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں نہیں بچوں گا، اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر۔ اب آج جو ہماری سب بندیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑا تھا، فرشتے آ کے کھڑے ہوتے، یہ مسئلہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، فرشتے آ کے کھڑے تھے ان کے لیے جگہ۔ ارے فرشتوں کو اللہ بہت جگہ دے دے گا، چھت پہ بھی دے دے گا، آپ مل کے کھڑے ہوا کرو۔ آپ نے فرمایا جب تم صفوں میں خلا چھوڑتے ہو اللہ تمہارے دلوں میں درار ڈال دیتا ہے، جب صف کو ٹیڑھا کرتے ہو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔
और फिर इस्लाम का चमकता धमकता ये सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। इससे मुसलमानों का बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। वो फतूहात का सिलसिला जो तरक्की से फैल रहा था उसको थोड़ी ब्रेक लग गई। फिर ये काम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर फतूहात का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने 20 साल हुकूमत की। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला जुम्मा जो है वो आपको वाकया करबला की जो असल हकीकत है, अफसाना क्या है, कहानी क्या है और हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी रही तो उससे आगाह करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी सहाबा किराम की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमाए। ये घड़ी आगे है या सही चल रही है? सही चल रही है। वक्त पूरा हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कुछ कहा गया जो कुछ सुना गया अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।